कानपुर की धर्म नगरी के धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमने प्रातःकाल भगवान ऋषभ और उससे पूर्व हमारा चराचर जगत सृष्टि और सर्पिणी का उत्सर्पिणी काल के बारे में सुना और कुछ भगवान की स्तुति की और उत्तरोत्तर हम करते रहेंगे। भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्युषण का अर्थ क्या है। पर्युषण का अर्थ है परिपुष्ण, आत्मा के करीब रहना। हमारी जो आत्मा है उसी के बदौलत ये शरीर है, उसी के बदौलत ये संसार है। जिस प्राणी में आत्मा न हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या वह प्राणी जीवित रह सकता है। यानी आत्मा हमारा मुख्य तत्व है, लेकिन हमने उस तत्व की पहचान न करके जो उसके बाद का तत्व हमारा शरीर है उसको बहुत अधिक महत्व दिया है। हम कर्मों के कारण इस शरीर से आबद्ध हैं, इसीलिए हमारी आत्मा बद्ध है। लेकिन इसका अर्थ नहीं, यह नहीं कि हम अपने मूल अस्तित्व को भूल जाएं। हम इस संसार में इसीलिए आए हैं कि हमारी आत्मा जो कर्मों से आवृत है उसको हम शुद्ध करें। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आचार्य तुलसी ने धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की, ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहलाता है। भाई और बहनों, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हमारी जैन परंपरा में तो मनुष्य भाव हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा की बात करूं तो वैदिक परंपरा हमारे लिए ज्यादा सख्त है। वैदिक परंपरा कहती है कि नव भवों तक लगातार आप सुकृत करो, अच्छे कर्म करो तो मनुष्य भव मिलता है, और इसके अंदर चूक हो गई तो 99 भव के बाद में मनुष्य भव मिलता है। उसमें भी आपने चूक कर ली तो 999 भवों के बाद में मनुष्य भव मिलता है। बंधु, मतलब मनुष्य भव इतना दुर्लभ क्यों है कि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो कि मोक्ष जा सकता है, और मनुष्य जीवन ऐसा है को सातवीं नारकी में भी मनुष्य ही जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो दिशा बदल जाएगी। जो साधु महात्मा गुरु लोग होते हैं वो अपने ज्ञान की धारा को बदल देते हैं। बंधुओं, ये हमारी नाभि है, इसके अंदर तेजस नाभि को हम तेजस केंद्र कहते हैं। सारी प्राण की ऊर्जा इस नाभि में रहती है, और इस नाभि का हम पिछला हिस्सा जो हमारे मेरुदंड है उसके अंदर करें तो नीचे हमारा मेरुदंड के नीचे शक्ति, ठीक मेरुदंड के नीचे शक्ति केंद्र है। हमारी सारी शक्ति उस केंद्र में रहती है। साधारण प्राणी या मनुष्य उस शक्ति के भंडार को, उस शक्ति के समुन्दर को भोग विलास ऐश्वर्य आराम उसके अंदर व्यतीत करता है। पशु तो करता ही है, पशु के पास में विवेक नहीं है। विवेक ये धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। बंधुओं, ये देखिए धर्म की दूसरी परिभाषा आई, विवेक ही धर्म है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी माताएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां कौन सी स्कूल में पढ़ी थी? कोई स्कूल नहीं थी, कोई पौशाल नहीं थी, लेकिन उनकी प्रज्ञा इतनी जागृत थी कि वो बड़े बड़े लोगों पर शासन करती थी, बड़े बड़े लोगों को वो उद्बोधन देती थी, बड़े बड़े लोगों को वो बहुत बड़े सूत्र सिखाती थी। वो कहां से आता था? वो प्रज्ञा से, जगत से आता था। बंधुओं, भाई और बहनों, हम नया काम कुछ नहीं कर रहे हैं,
नया कुछ नहीं होता है। हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना, लेकिन इस सोने के ऊपर जो है ना 8 तरह के आवरण आए हुए हैं, 8 तरह के। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं कि बाबा के पास तुम्बी होती है, हमारे थड़ी में तुम्बे बहुत होते हैं, बड़े तुम्बे की तुम्बी बनाई जाती है, उस तुम्बी से बाबा लोग जो है पानी पी जाते, कमंडल होता है, हमारे दिगंबर साधु साहब जो हमारे तो पात्रे होते हैं उनके कमंडल होता है, तुम्बी बनती है। उस तुम्बी को अगर आप पानी में डाल दो तो वो तैरती रहेगी, कभी भी तुम्बी पानी में नहीं डूबती है। उसी तुम्बी के ऊपर अगर हम गोबर का लेप करें या किसी दूसरी चूने का लेप करें या फेविकोल का लेप करें तो पहले लेप के साथ में थोड़ी सी डूबेगी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां लेप करें तो पूरी धरातल में चली धाराशाही हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। ठीक इसी तरह से भाई और बहनों हमारी आत्मा के ऊपर 8 परतें आई हुई है और इन परतों को हटाते जाइए, धोते जाइए, धोते जाइए, धोते जाइए तो 24 कैरेट का सोना चमकता हुआ निकलेगा। वो शुद्ध आत्मा है, वो मोक्षगामी आत्मा है। जैन परंपरा के अनुसार एक बार आत्मा मोक्ष में चली गई वह कभी भी 84 लाख भ्रमण में नहीं आती है। उसकी पहचान करने के लिए पर्युषण आता है। ये पर्युषण हमें इस बात के लिए बार बार स्मरण कराता है कि आपके पास में अगर सम्यक दर्शन है तो उसको पहचानो, अगर चला गया है तो फिर लाओ। सम्यक दर्शन एक बार स्पर्श होने के बाद में आपको पट्टा मिल गया कि आप अवश्य ही मोक्ष जाओगे, लेकिन वह आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। उसको स्थायी करने के लिए पर्युषण आता है, धर्म की आराधना आती है कि हम उसको स्थिरता से टिकाए रखें। तो बंधुओं भाइयों और बहनों ये पर्युषण पर्व की जो आराधना है ना, कितनी सुंदर आराधना है कि हम हर वक्त अपनी आत्मा का स्मरण करें। ये हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतनामय परमाणुओं का पिंड है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। इस सारी दुनिया में हमारे पुण्य से जो हमको सुख मिलते हैं, चाहे घोड़ा हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारी वाहन हो या हमें सोना चांदी, कुछ भी हमें भौतिक चीजें मिलती है हमारे पुण्य से प्राप्त होती है, लेकिन वो सब नाशवान है। एक आत्मा ही ऐसा तत्व है जो अविनाशी है। आत्मा की परिभाषा की गई है कि आत्मा कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, कहीं रुकती नहीं, किसको रोकती नहीं है। ये क्या है? एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो कि आनंदमय है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? आखिर मोक्ष में क्या है जो हम जाना चाहते हैं? हमारे सांसारिक जीवन के अंदर हमें एक सुख मिलता है, सुख के साथ के अंदर जुड़ा हुआ सुख है। हमारी जैन परंपरा के अनुसार हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जो सत्य को जान लेता है वो ज्ञानी पुरुष है, वह कभी भी दुखी नहीं होता है। हमने जन्म लिया है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन हम मृत्यु का टिकट साथ लेके आए हैं। जैसे कि आजकल ट्रेन का जमाने में रिजर्वेशन का जमाना है तो रिटर्न टिकट की हम परवाह पहले करते हैं। रिटर्न टिकट के बिना हमारी जाने की टिकट हम अपनी रिटर्न टिकट बना के लाए हैं, तो हर व्यक्ति रिटर्न टिकट की पहले करता है। यानी हम अभी 8-9 दिन आपके साथ रहेंगे और क्षमापना करते हम चले जाएंगे। उसी तरीके से कोई प्राणी इस जन्म में, कोई प्राणी कोई वस्तु ने इसमें जन्म लिया है, वो निश्चित हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है,
इस सत्य को हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो इस सत्य को ध्यान रखता है वो ज्ञानी पुरुष है बंधुओं। ज्ञान एक ऐसा तत्व है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे दुख का निवारण होता है। जितने भी दुनिया में धर्म है, ग्रंथ है, उन सब ने बताया है कि हर प्राणी सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। एक चींटी भी चाहती है कि मैं सुख से जीऊं, कोई मरना नहीं चाहता, हर एक सुख का जीवन चाहता है, लेकिन फिर भी दुख क्यों होता है, इस गहराई में जाना है। दुख का कारण है अज्ञान। जो जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं, हरेक ने दुख के कारण को अज्ञान माना है। अज्ञान सबसे बड़ा क्या है कि हमने शरीर को ही सर्वे सर्वा मान लिया है, लेकिन इस शरीर के परे एक तत्व है, उसकी पहचान करनी है। हमारा ये मात्र शरीर ही नहीं है, इस शरीर के भीतर जाना है, भीतर की दुनिया में जाना बंधुओं। हमारी आंख जो है उसको बंद करो तो भीतर का जगत है, आंख को खोलो तो बाहर का जगत है। आंख खोल के बाहर देखे सब व्यवहार जगत है, और भीतर का जगत है वो निश्चय का जगत है। निश्चय और व्यवहार के जगत के नियम अलग अलग है, लेकिन हमारे को किस लिए यहां भेजा गया है, हम यहां किस लिए आए हैं कि हम हर वक्त निश्चय के जगत में नहीं रह सकते हैं, व्यवहार के जगत में अधिक रहते हैं। कोई बात नहीं, आप व्यवहार के जगत में रहो, लेकिन भेद विज्ञान करो। ये मत भूलो कि शरीर और आत्मा एक ही है बंधुओं। जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है वही सम्यक दर्शन है, वही भेद विज्ञान है, और वही वीतराग विज्ञान है, वही मोक्ष का विज्ञान है। जो हमारा निश्चय नय है, आत्मा का संसार है, वो रियलिटी है, और जो व्यवहार जगत में देखते हैं वो रिलेटिव है। हमें विज्ञान ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। हमारा जो अनेकांतवाद है, ये सापेक्षवाद क्यों कहा गया है कि रियल और रिलेटिव, रियल में हम आत्मा है, रिलेटिव में हम शरीर है। रियल में मैं शुद्ध आत्मा हूं, रिलेटिव मेरा भाई है, ये बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, सारे रिश्ते नाते दुनिया ये सब क्या है, रिलेटिव है। लेकिन रियल और रिलेटिव का भेद समझते हुए रहना रियल में, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और बंधुओं, आत्मा के जगत के अंदर कोई भेद नहीं होता, रियलिटी में कोई भेद नहीं है, सारे भेद रिलेटिव में है, क्योंकि रिलेटिव पौद्गलिक है और रियल है वो चेतनामय है। चेतना और पुद्गल और चेतन को हमें समझना है। पुद्गल भी एक सच्चाई है, चेतना भी एक सच्चाई है। चेतना आत्मा को कहते हैं, आत्मा हमारे असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को, भौतिक परमाणु नहीं, चेतना के असंख्य परमाणुओं को आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और यह आत्मा जैसा मैंने सारे गुण बताए हैं उसी तरीके से पुद्गल है। ये हमारा शरीर पुद्गल है, और संसार में पंखा है, भवन है, धन है, दौलत है, ये सब पौद्गलिक, ये भौतिक है बंधुओं। भौतिक चीज विनाशी होती है, आत्मा अविनाशी है। धर्म कहता है कि आप दोनों को समझो। हमारे जैन धर्म में तीन बातें आती है, गे, हे और उपादेय। गे का मतलब जो नौ तत्वों की चर्चा करेंगे, नौ ही तत्व जानने योग्य है। इस संसार में अच्छाई और बुराई सारी जानने योग्य है, लेकिन अच्छाई बुराई जानने के बाद हमारी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि किस लिए दी गई है, हे और उपादेय। ये ग्रहणीय है,
ये छोड़नी है, छोड़ने लायक है, ये त्यागने लायक है, ये अपने न लायक है। ये का मतलब छोड़ने लायक और गे का मतलब है ग्रहण करने लायक बंधुओं। तो हमारे लिए जो पौद्गलिक पदार्थ है जिनसे हमारा संसार का नाता चलता है, ये सब है, ध्येय है। एक न एक दिन हमें छोड़ना है इसको, इसके प्रति हमारी मूर्छा नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। ये हमारे को बंधन में डालने वाला है आसक्ति है, और आसक्ति हमारे भावों में रहती है। हमारा जो भीतरी जगत है ये भावों का जगत है, और बाहर का जगत है ये द्रव्य का जगत है। बंधुओं, हमें दोनों खातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, और जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष है उसके पास में ज्ञान होता है, और जो अज्ञानी पुरुष है वो दुखी रहता है। ज्ञानी कभी दुखी नहीं हो सकता। ज्ञान एक दीपक है। दीपक का क्या काम है? घना अंधेरा हो, अगर सैकड़ों वर्षों से किसी जंगल के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दो तो क्या होगा? उस अंधेरे को हटा देता है। गुरु, गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु उसे कहते हैं जो अंधेरे को दूर करता है, जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, गुरु भी हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करता है। यानी ज्ञान एक दीपक है। हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जहां पढ़े हो वहां पे दीपक जलाया जाता है, सरस्वती की आराधना की जाती है, सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में तीन देवियां प्रचलित है, एक ही देवी के, एक स्त्री के तीन रूप। एक का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के दो रूप है, लक्ष्मी भौतिक समृद्धि भी देती है और अध्यात्म की स्त्री समृद्धि भी लक्ष्मी देती है। दूसरी देवी है वो ज्ञान की देवी सरस्वती। वैदिक परंपरा में मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती, और विष्णु जो कि जगत का पालनहार है वो विष्णु भगवान कहलाते हैं, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी। और तीसरा महेश, यानी शिवजी की पत्नी का नाम है दुर्गा। वही स्त्री जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो संहार भी कर सकती है। काली उसका नाम है, उसके नौ नाम प्रचलित है। बंगाल के अंदर काली कितना बड़ा महोत्सव होता है। तो बंधुओं, ये सब क्या है? ये सब अध्यात्म है। इस अध्यात्म को जो हमें समझना है कि अध्यात्म का अर्थ क्या होता है, कि भीतर की ओर जाना। भीतर का जगत आपका प्राइवेट जगत है। भीतर के जगत में परिंदा भी पर नहीं बाहर सकता, वह आत्मा का जगत है। ध्यान का दिवस आएगा जब हम आपको ध्यान कराएंगे। या प्रातः काल हमने ध्यान कराया, जितना जितना ध्यान का जगत है वह सब भीतर का जगत है। और भाइयों और बहनों, जो कुछ साधना करते हैं, करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। ध्यान सीधा आपको आत्मा के अंदर ले जाता है। बीच के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, सीधा आत्मा से, परमात्मा से, ईश्वर से आपकी मुलाकात करता है, कराता है। ऐसा सबसे बड़ा ध्यान का माध्यम है बंधुओं। ये पर्युषण पर्व इसीलिए आता है। ये हमारे आठ दिन जो है, कल स्वाध्याय दिवस है, उसमें हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। ये दिवस गुरुदेव ने महती कृपा करके क्यों रखे हैं? एक एक दिवस रखने का एक एक प्रसंग है कि हम अपने आत्मा का स्पर्श, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, आत्मा के इर्द गिर्द रहें, आत्मा का स्पर्श करें, आत्मरमण करें, आत्मा में स्थिर रहें। अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ रियलाइजेशन कहें, इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपनी आत्मा को पहचानें। तो ये आठ दिन जो है
खूब आत्मा का निरीक्षण करना है, और उस आत्मा के निरीक्षण के अंदर जितने जितने उपाय है उन उपायों के माध्यम से हमको जो आगे चलना है। पर्युषण पर्व की आराधना एक ऐसी पद्धति है कि हमको कई तरह का ज्ञान इन 8 दिवस के अंदर हमको मिलता है, उस ज्ञान को हम हृदयंगम करें। और भाइयों और बहनों, मातृ शक्ति ये हमारा ज्ञान है, कभी नाश नहीं होता। शरीर का तो नाश हो जाता है, ज्ञान उत्तरोत्तर हमारी आत्मा के साथ में लगा रहता। क्यों? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा की परिभाषा क्या की गई है कि आत्मा का काम है उपयोग। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन। आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन, ये इसको सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित्त और आनंद, सत हमारा अस्तित्व है, यानी हमारा अस्तित्व क्या है? अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये हमारा अस्तित्व है। और चित्त का मतलब ज्ञान और दर्शन, आत्मा के गुण है वो ज्ञान और दर्शन है। और एक चित्त की परिभाषा ये है कि आत्मा से जो रश्मियां निकलती है और जो रश्मि हमारे इस स्थूल शरीर में काम करती है उसका नाम भी चित्त है। आत्मा जो है वो अनंत किरणों वाली है, आत्मा से कई तरह की ज्ञान की किरणें निकलती है, वो ज्ञान की किरण आंख को जाती है, कान को जाती है, नाक को जाती है, शरीर के एक एक कोशिका तक आत्मा की किरण जाती है, तब वो कोशिका एक पावर हाउस का काम करती है। और जिस शरीर में आत्मा न हो तो क्या होता है? राम नाम सत होता है बंधुओं, वो मिट्टी है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पर्युषण पर्व के दिन में मुख्य बात हमारी आत्मा है, इसको सहेज के रखो, इसकी अनुभूति करो। प्रीति अनुभूति ये बहुत बड़ी चीजें होती है। भगवान ने कहा अपना सच में से जा मैटिंग हुए तो कब पाए, तुम स्वयं सत्य खोजो। अगर तुम ईश्वर, हर आत्मा ईश्वर बन सकती है, तुम भी मेरी तरह ईश्वर बनना चाहते हो तो तुम आत्मा की खोज करो। सत्य की खोज आत्मा की खोज है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य में, ईश्वर में, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये अलग अलग पर्यायवाची है। और हमारा भीतर का जगत है ये सच्चाई का जगत है। मैं आपको अर्थ बनना तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारी जो आत्मा है ना, इसका चिंतन करना है, गहन चिंतन करना है। 8 दिन आत्मा 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 माला, सारी माला आत्मा की फेरनी है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनंत ज्ञान वाली आत्मा हूं, मैं अनंत दर्शन वाली आत्मा हूं, मैं अनंत चेतना वाली आत्मा हूं, मैं सुख का भंडार हूं। तो ज्यों ज्यों आत्मा की गहराई में जाएंगे त्यों त्यों हमें आत्मा की अनुभूति होगी। प्रीति थी अभी जो भगवान की मैंने बात कही कि उसको अनुभव करिए। आत्मा हाथ पर, हथेली पर दिखाई नहीं जाती है क्योंकि आत्मा रूप ही है, लेकिन आप सिर हिलाते हो तो ये आत्मा की प्रीति है, आत्मा की जानकारी है, आत्मा का एक प्रत्यक्ष रूप है। और इसका अनुभव करोगे तो वास्तव में आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव भीतरी जगत में है। तो निष्कर्ष की बात में मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्युषण के दिनों में भीतरी जगत में ज्यादा जाओ, ध्यान में जाओ। और भीतर का जगत बाहर के जगत से अनंत अनंत गुना बड़ा है। हम जो बाहर का जगत आंखों से, 5 इंद्रियों से देखते हैं तो वो मात्र बहुत छोटा है। भीतर का जगत, आत्मा का जगत अनंत है। उस जगत के अंदर सुख ही सुख है। उस सुख की खोज करनी है, हमें अक्षय सुख को पाना है,
ऐसा सुख नहीं जिसके पीछे दुख जुड़ा हुआ हो। अनंत सुख जो है हमारी आत्मा के अंदर है, उसकी प्राप्ति करने के लिए ये पर्युषण पर्व आता है। तो अपनी आत्मा का खूब निरीक्षण करो, परीक्षण करो, उसको धो, उसको मांजो, उसकी अशुद्धि को साफ करो। तो इस तरीके से पर्युषण पर्व ये आराधना के दिवस आत्मा के लिए के निरीक्षण के लिए आते हैं। आप भारत वंदना करें। कार्यक्रम कितने बजे डालाना? 11:30 बाद में।